हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेन पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे स्वीट कॉर्न चाट बनाने के बारे में सबसे पहले हमने कॉर्न लिया है और उसे बॉयल कर लिया है बॉयल करने के बाद में पानी से छान के हमने इसे अलग रख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये सारे प्रोसीजर हमने पहले ही कर लिए थे देखिए बॉयल करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा अब हम गैस को ऑन करेंगे उस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच घी चलिए दिखाते हैं कैसे बनाना है इसे घी हमारी गर्म हो चुकी है अब जो कॉर्न हमने रखा था पानी से छान के उसे इसमें डाल देंगे इस तरह से सारे कॉर्न को हम डाल देंगे देखिए इस तरह से इसे भूनेंगे इसको भूनने में आप बटर का यूज भी कर सकते हैं और जो छोटे छोटे रेसे दिख रहे हैं वो कौन के ही हैं हमने निकाले थे बस थोड़े बहुत रह गए हैं इस तरह से इसे भूनेंगे हम इस मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन नहीं हो जाता बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है हमें हल्का गोल्डन ही करना है चाट के लिए देखिए दोस्तों ये हल्का गोल्डन हो चुका था जितना हमें चाहिए चाट के लिए उस हिसाब से ये हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाट बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है चलिए बताते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे हम डालेंगे दो पिंच लाल मिर्च पाउडर दो पिंच चाट मसाला दो पिंच जीरा पाउडर भुना हुआ इस चीज का आप ध्यान रखिएगा भुना हुआ अब इसके बाद में डालेंगे काला नमक फ्लेवर के लिए काला नमक चाट में अलग ही फ्लेवर लाता है तो जब भी आप चाट बनाएं काला नमक का यूज़ ज़रूर करें इसके बाद में हम बताएंगे और कौन सी चीज़ें डालेंगे इसके बाद में हम डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके एक मीडियम साइज का टमाटर कट किया हुआ एक प्याज़ बारीक कट की हुई एक मिर्च हरी मिर्च हमने यूज़ की है अगर आपने आपको पसंद नहीं है तो आप मत यूज़ करिएगा ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक और भी तरीका है मिक्स करने का कि हम आपको बताते हैं आप ध्यान से देखिएगा दोनों हाथों से आप जिस भी बाउल में रखेंगे उस बाउल को पकड़िएगा और इस तरह से आगे के हिस्से की तरफ से देखिए उछाल के उछाल उछाल के करिएगा चारों तरफ से इसी तरह से बदलते हुए आप करिएगा देखिए इस तरफ से आप चारों साइड से जब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कम समय में इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे हमने दोनों तरीके आपको बताए जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप मिक्स करिएगा देखिए दोस्तों तैयार है हमारी कॉर्न चाट आप भी इस तरह से बना के खाए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर और भी ज़्यादा आप खट्टा पसंद करते हैं तो आप लेमन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं लेमन के जूस को निचोड़ सकते हैं इसमें ये पूरी तरह से ऑप्शनल है आपका मन हो तो लेमन यूज़ करिए ना मन हो तो मत करिए और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा बहुत ही बजट में टेस्टी है हेल्दी है तो खाइएगा ज़रूर और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपकी रेसिपी अच्छी बन जाए तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी अच्छी बनी थी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय